हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी, हेल्दी और बराबर से टेस्टी चिकन स्टू रेसिपी। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हो क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। बस आपको एज वाइज स्पाइस की क्वांटिटी कट ऑफ कर देना है। जैसे कि मैं मेरे पौने दो साल के बेटे को 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर देती हूँ जब मैं सिर्फ उसकी क्वांटिटी में बनाती हूँ। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम स्वीट बोन चिकन, दो मीडियम साइज पोटैटो कट इनटू हाफ, दो मीडियम साइज कैरेट्स कट इनटू पीसेस, चार बड़े पीसेस ऑफ पपाया, दो बड़े प्याज डाइस्ड, वन मीडियम साइज टमाटो डाइस्ड, 10 से 12 बीन्स कट इनटू 2 इंचेस ईच, वन हिप टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले और 2 टेबलस्पून ऑयल। बाकी के स्पाइसेस मैं कुक करते वक्त दिखा दूंगी। तो पहले हम कुकर में 2 टेबलस्पून तेल लेके इसमें 2 इंचेस दालचीनी और 4 इलायची 30 सेकंड तक सॉट कर लेंगे। अब इसमें सारे डाइस प्याज डाल के इसमें ऐड कर देंगे 1 हिप्ड टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 30 सेकंड तक सॉट करके इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज टमाटो डाइस्ड, पोटेटोस, कैरेट्स, पपायास एंड बीन्स। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक कुक करके इसमें सारे चिकन पीसेस डाल देंगे। अभी फिर से सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून नमक, 5 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिक्स एवरीथिंग अगेन। मैं इसे 4 लोगों की क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं इसमें 1.2 लीटर पानी डाल दूंगी। अब सब कुछ फिर से अच्छे से मिक्स करके कुकर को लॉक करके गैस को फुल फ्लेम में ही छोड़ के 1 सीटी होने तक वेट करना है। नाउ स्विच ऑफ द गैस। हमें स्टीम को अंदर ही छोड़ देना है और जब कुकर का लीड खुद से खुल जाए तभी हमें इसे खोलना है। एड 1 टेबलस्पून ऑफ बटर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ पेपर पाउडर ऑन टॉप ऑफ इट। और ये हो गया रेडी हमारा हेल्दी चिकन स्टू। आप इसे बटर और पेपर से टोस्टेड ब्रेड के साथ या फिर सिर्फ इसी को एज ए मील खा सकते हो और अपने बच्चों को भी बहुत सारे वेजीज और चिकन एक साथ खिला सकते हो। सो सी यू सून गाइस।